इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप बैठ जाएं, जहां पे भी हैं साथी लोग बैठ जाएं। बस अब अंतिम 15 मिनट की बात है, सुबह से आप लोग अपने अपने घर से चले हुए हैं। मैं जानता हूं साथी इस रात को झुंझुनू से चले थे, सुबह लोग मेवात से चले, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से चले, यहां पहुंचे। मैं समझ रहा हूं कि थक गए होंगे, लेकिन आज थकने का दिन नहीं है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, बस मैं अब 3 गिनूंगा और जो जहां पे है वहां पे बैठ जाएं। ये सामने जितने लोग दिख रहे हैं सब बैठ जाएं, और ये पीछे वाले साथियों तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप आगे आ जाइए। जो साथी पीछे हैं इस सम्मेलन के, इस अभूतपूर्व जनसभा के आखिरी 15 मिनट के लिए, हम सब आगे आ जाएं ताकि हम यहां से एक संकल्प लेके जाएं। आप आगे आ जाइए और ये सब लोग बैठ जाइए, धन्यवाद। हाँ, जो पीछे वाले साथी हैं वो भी आगे आ जाएं और आगे आके बैठ जाएं। आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, धन्यवाद। मिलके हम सब लोग अपना संकल्प दिखाएंगे, मुट्ठी तानेंगे और जोर से बोलेंगे ताकि आवाज संसद तक जाए। काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये सब साइड वाले भी हल्ला बोलेंगे ना, इधर वाले भी हल्ला बोलेंगे, पीछे भी आवाज आनी चाहिए हल्ला बोलने की, ताकि जो काले धन वाले हैं उनकी रूह कांप जाए आपको देख के। काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। काले धन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल्ली और दिल्ली के बाहर से इस अभूतपूर्व हल्ला बोल रैली में आए हुए मेरे साथियों, आप सबके धैर्य को, आप सबके संकल्प को, आप सबके जज्बे को स्वराज इंडिया की तरफ से मेरा सलाम। हम कौन लोग हैं, कहां आए हैं, क्यों आए हैं, ये जानने की जरूरत है। इस मंच पर जो बैठे हुए लोग हैं और यहां सामने जो लोग डटे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो बिकाऊ नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की मशाल जलाई थी, ये वो लोग हैं जो अपने अपने घर से शायद जिंदगी में पहली बार 5 साल पहले मोमबत्ती लेके बाहर निकले थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सपना देखा था और दिखाया था कि इस भारत में, इस इंडिया में बदलाव हो सकता है, भ्रष्टाचार से भिड़ा जा सकता है, ये देश बदल सकता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जब देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले हमारे कुछ साथी थक गए हैं, तो थके हुए लोगों के साथ बैठे नहीं, कुर्सी को देख के बैठ नहीं गए, कोई राज्यसभा की कुर्सी नहीं देखी, किसी ने पार्षद की टिकट नहीं देखी, जिन्होंने कहा कि हम संघर्ष वाले लोग हैं, सड़क पे संघर्ष किया है फिर सड़क पे आने को तैयार हैं, ये वो सब लोग हैं। भारत माता की, आज की इस सभा में कई साथी देरी होने की वजह से, क्योंकि बस उनका पहले से बुक था, उन्हें जाना पड़ा, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं,
दरअसल जितना उत्साह था सुबह से, जगह जगह से खबर आ रही थी कि नहीं अभी हमारी बस पहुंची नहीं, अभी शुरू मत करो, अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, तो हमें शुरू करते करते देर हो गई, समाप्त करते करते भी देर हो गई। लेकिन हमारे साथियों का आग्रह है, कई साथियों की तरफ से आग्रह हुआ है कि जी अगली सभा इतनी छोटी जगह पे ना करना, जंतर मंतर में अगली सभा रामलीला मैदान पे करनी होगी। सहमत हैं सब लोग? तो अगली बार समय से भी आएंगे, उसके लिए समय से आना पड़ेगा, अपने अपने घर से, दिल्ली में आदत है हमें थोड़ा देर से आने की। तो हाथ उठा के बताएं कि अगली बार रामलीला मैदान में। बहुत बढ़िया। हम कहां पे खड़े हैं? हम आए हैं जंतर मंतर पे। ये वो जगह है जहां आके इस देश के आंदोलन वाले लोग संसद को याद दिलाया करते थे, संसद को बताया करते थे। आज फिर हम उसी संसद को बताने आए हैं। क्या बताने आए हैं? हम संसद को बताने आए हैं कि माननीय सांसदों, हमारे एमपी, बड़े बड़े लोग, आप संसद के अंदर जो खेल करते हो पब्लिक सब जानती है। ये पब्लिक है, सब देख रही है आपके खेल। संसद का सत्र समाप्त हो गया, पूरे इस सत्र में कोई काम नहीं हुआ। अखबारों में रिपोर्ट छपी कि 6 साल में इससे बेकार संसद का सत्र नहीं हुआ जिसके अंदर कोई काम नहीं हुआ। एक इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि संसद में नहीं बोलूंगा, बाहर जरूर बोलूंगा। सब तरफ बोलते हैं, संसद के सेंट्रल हॉल में भी आके बोलते हैं, संसद में घुस के नहीं बोलते। क्यों? शायद डर है। डर है कि सवाल पूछा जाएगा, डर यह है कि जवाब देने को है नहीं। और उधर इस देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, जो कहते हैं बहुत बड़ी सूचना है, भूकंप आ जाएगा, लेकिन सिर्फ संसद में बोलूंगा, उस छत के नीचे बोलूंगा, जनता के बीच में नहीं बोलूंगा। क्यों भाई? अगर प्रशांत भूषण एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में बोल सकता है नरेंद्र मोदी के बारे में, अगर वो इस मंच से खुले आकाश के नीचे बोल सकता है, तो राहुल गांधी जी आप क्यों नहीं बोल सकते? डर लगता है। एक को सुनने से डर है, दूसरे को बोलने से डर है। देखिए कैसा लोकतंत्र है, सत्ताधारियों को सुनने से डर है, विपक्ष को बोलने से डर है। आज इस मंच पे, इस सभा में वो लोग आए हैं जिन्हें ना सुनने का डर है ना बोलने का डर है। भारत माता की। साथियों, पिछले एक महीना से अजीब हम नूरा कुश्ती देख रहे हैं। बॉक्सिंग का मैच होता है ना, कई बार पहले से फिक्स हो जाता है कि भाई तू ऐसे मुक्का मारना, फिर तू ऐसे मुक्का मारना, और आखिर में जीतना हमारा आदमी चाहिए। पिछले एक महीने से हम ये मैच फिक्सिंग देख रहे हैं दोनों पार्टियों की, कि नोटबंदी पे झगड़ा करेंगे लेकिन काले धन का कोई बड़ा सवाल नहीं उठाएंगे। तुम भी मत उठाना, मैं भी नहीं उठाऊंगा। दोनों की तरफ से फिक्सिंग हो गई है। थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है? देखा आपने पिछले हफ्ते क्या हुआ? राहुल गांधी ने सुबह कहा कि मेरे पास बड़ी सूचना है, मैं भूकंप ला दूंगा, मैं कुछ कह दूंगा मोदी जी के बारे में। शाम को एक टेलीविजन चैनल पे कांग्रेस का एक पुराना घोटाला आ गया, अगस्ता वाला। अगले दिन जोधपुर में रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ आ गया। उसके बाद से राहुल जी चुप हैं। अब मैं नहीं जानता क्यों चुप हैं, मुलाकात मेरी नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन सड़क पे चलते हुए लोग क्या कहेंगे कि मोदी जी ने थोड़ी सी झलक दिखा दी थी कि बेटा अगर बोलोगे तो ये कर दूंगा, तो दोनों चुप हो गए हैं।
ये दोनों तरफ से सेटिंग चल रही है, दोनों तरफ की मैच फिक्सिंग चल रही है। आज इस सभा में और इस मंच पे वो लोग आए हैं जो मैच फिक्सिंग करने के लिए नहीं आए हैं, वो इस देश को फिक्स करने के लिए आए हैं, देश को ठीक करने के लिए आए हैं। ये जो नोटबंदी का सवाल है उसके बारे में दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, सत्ताधारी पक्ष के बारे में आरोप लग रहे हैं, विपक्ष वाले बड़े सवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं नोटबंदी के पीछे क्या है, सरकार वाले पिछले कुछ दिनों से लड्डू खिला खिला के अब ये कह रहे हैं कि नोटबंदी के पर सवाल पढ़ने वालों के पीछे क्या है। अरे भाई, हमने कहा कोई ये तो पूछे कि नोटबंदी से आगे क्या होगा। आपने काले धन के हाथी की पूंछ पकड़ ली, अगर पूंछ भी पकड़ ली तो अच्छा किया, चलो ये तो काम किया आपने। अब उसका जवाब दो जो यहां पे लिखा हुआ है कि आपने हाथी की पूंछ तो पकड़ ली, अब काले धन के हाथी को कब पकड़ोगे? ये सवाल देश जानना चाहता है, ये सवाल संसद से पूछने के लिए हम आए हैं। और हम कहना चाहते हैं, मैं कड़वी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पिछले एक महीने से इस देश में संसद में जो ड्रामा हुआ, संसद में बैठे हुए लोगों ने इस देश की महान संसद की गरिमा को जिस तरह से गिराया, विपक्ष ने तो नाटक करने ही होते हैं, सत्तारूढ़ दल ने संसद को नहीं चलने दिया, ये सब देखने के बाद अडवाणी जी के मन में आया, उन्होंने कहा कि मेरा तो मन करता है इस्तीफा दे दूं, चलिए बुढ़ापे में कोई एक सच बात तो बोली, अच्छा किया। और मेरे मन में तो उससे भी ज्यादा बात आई, मेरे मन में बात आई कि अगर इन सांसदों ने इस देश की संसद की गरिमा को इसी तरह से गिराना है तो ताला लगा दो संसद पे, ताला लगा दो, वो अच्छा होगा, कम से कम इस तरह का ड्रामा तो नहीं होगा। रोज रोज इस देश के लोग संसद की बात सुनना नहीं चाहते, बोर हो जाते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन पिछले एक महीने में हर नुक्कड़ पे चर्चा थी, हर जगह पे चर्चा थी नोटबंदी, क्योंकि हर व्यक्ति पे प्रभाव था। पिछले एक महीने में लोग वाकई कुछ सुनना चाहते थे, जब एक बार इस देश की जनता संसद से कुछ सुनना चाहती थी, हमारी संसद बोली नहीं, शोर मचाती रही, इस देश की जनता को लज्जित किया, इस देश की संसद फेल हो गई जब इस देश की जनता कुछ सुनना चाहती थी। और इसलिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं, हम ये कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमने आज से 5 साल पहले कहा था, अगर कुछ सवाल संसद में नहीं उठेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क पे नहीं उठेंगे, जो सवाल संसद में उठने चाहिए थे नहीं उठे, उन्हें संसद की जगह सड़क पे उठाने के लिए हम आज यहां आए हैं, हम सब उन सवालों को लेने आए हैं, काले धन के असली सवाल को उठाने आए हैं। दोस्तों, ये जो काला धन है, ये जो राक्षस है काले धन का, ये रावण जैसा है। रावण को क्या बोलते थे? दशानन। दशानन का मतलब जिसके 10 सिर थे, 4 वेद जानता था, 6 शास्त्र जानता था, इसलिए रावण के 10 सर थे। इस काले धन के भी 10 सर हैं जी। एक सर इसका पहला सर है जो कागज के नोट का बना हुआ है, वो कैश है। दूसरा सर सोने का बना हुआ है। जो काला धन रखते हैं वो कैश में तो थोड़ा ही रखते हैं जी, असली खिलाड़ी तो सोने हीरे जवाहरात में रखते हैं, वो इस रावण का दूसरा सर है। इस रावण का तीसरा सर मिट्टी से बना है। मिट्टी से क्यों बना है? क्योंकि काले धन से जमीन खरीदी जाती है साहब, मिट्टी है उसकी। काले धन का चौथा सर ईंट से बना हुआ है। ईंट से क्यों बना है? क्योंकि काले धन से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, फ्लैट और कोठियां खरीदी जाती हैं। वो चौथा सर है जी, यहां पे
और पांचवा है कागज के शेयर का बना हुआ, शेयर मार्केट में लगता है पांचवा। अब आप कहोगे भाई साहब ने पांच तो गिना दिए सर, बाकी पांच कहां के हैं? साहब बाकी पांच इंपोर्टेड माल है, रावण जी ने भी पांच सर अपने इंपोर्ट कर रखे हैं बाहर से, पांच सर देसी और पांच सर विदेशी। वो कौन से पांच सर हैं? एक है जो प्रशांत जी ने बताया, पी नोट्स। ये बेनामी तरीके से प्रॉपर्टी बनाने का विदेश का धंधा है। एक है स्विट्जरलैंड के अकाउंट। स्विट्जरलैंड के क्यों? क्योंकि वो एक देश है जिसमें बताया जाता है आपके अकाउंट की सूचना को गुप्त रखा जाता है, तो बड़े बड़े लोग वहां जाके करते थे। एक है सिंगापुर की कंपनियां, एक है साइप्रस की कंपनियां, सब देश है दुनिया के जहां पे काला धन रखा जाता है। और अभी अभी कल परसों ही इस सरकार ने इधर काले धन का यज्ञ चल रहा है, उधर साइप्रस को काली लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। तो नौवां है साइप्रस का, और दसवां सर है जी मॉरिशस से आया हुआ है। मॉरिशस में कंपनियां बनती हैं रातों रात, धन यहीं का है, मॉरिशस का नहीं है। यहां से एक जेब से काला धन निकलता है, रातों रात मॉरिशस पहुंचता है, और अगले दिन सफेद पैसा बन के, व्हाइट मनी बन के दूसरे हाथ से इंडिया वापस आ जाता है। ये दस सर हैं इस रावण के। हमारे प्रधानमंत्री इस रावण की तरफ इशारा किए, हमने कहा चलो अच्छा तो किया, चलो एक अच्छा काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री ने काले धन का नाम लिया, फिर वो चले इस काले धन के सामने उस्तरा लेके इसका काटने, गला काटने। उनको दस में से एक सर दिखाई दे रहा था जो कैश वाला नोट वाला सर था। जब वो उस्तरा लेके चले, हमने कहा भाई इससे सारा काला धन खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन चलो कोई रावण की तरफ चला तो है, कांग्रेसी तो ये भी नहीं करते थे, चलो इसको जाने दो, अच्छी बात है, समर्थन दो। जब लोगों को कष्ट होना शुरू हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, कष्ट है, दिक्कत है, सरकार गलती से कर रही है, नोट छापे नहीं, लोगों को तंग किया, लेकिन किसी बड़े काम में गलती भी हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई है, देख लेंगे। हमने समर्थन किया, सारे विपक्ष वालों ने केवल विरोध के लिए विरोध किया। हमने कहा कि मौका दो इन्हें, मौका दो, कोई गलती कर रहे हैं कोई बात नहीं। अब एक महीना हो चुका है, जो कष्ट हुआ है वो तो कष्ट हुआ है, लेकिन अब तक क्या हुआ है? रावण के दस सर में से एक सर काटने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री उस्तरा लेके निकले थे, पता लगा उसका गला काटने की बजाय उसकी शेविंग करके आ गए। वो नहीं काटा, कटिंग करके आ गए, शेविंग करके आ गए रावण की, वो भी चार बाल उठा के ले आए। क्या चाहिए रावण को मारने के लिए, क्या करना था आप बताइए? क्या उसके शेविंग करने से काम चल जाता, या गला काटना चाहिए था? गला काटने से रावण खत्म हो जाता? नहीं होता, क्योंकि दस सर हैं।